जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। चैनल को यदि सब्सक्राइब आप नहीं किया है, नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आज हम बात करने वाले हैं सच्चे प्यार के संकेत, या प्यार पर जितनी भी सारी क्वेरीज आपके कमेंट्स होते हैं मुझे, उन सभी पर आज मैं बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि बहुत से लोगों का ये कमेंट्स होता है कि हमें प्यार में धोखा मिल गया है, हम क्या करें। दूसरा कमेंट्स होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, क्या करें। और तीसरी बात ये पूछी जाती है कि हमारा एक तरफा इश्क है, हम क्या करें, और पूरा प्यार के संबंधित चीजें पूछी जाती है। तो आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और बहुत सारी चीजें सही हो जाएगी। एक निवेदन और है दोस्तों कि यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, यहाँ से आप सीधे मुझे व्हाट्सअप 24 घंटे कभी भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपका नंबर बुक हो जाएगा। नंबर बुक होने के बाद आपसे मैं बात कर दूंगा। पहली और मुख्य बात है कि प्यार जो है उसके संकेतों में उसमें शक नहीं होता है, और आज के इस दौर में शक ने ऐसा जकड़न कर लिया है कि क्या बताऊं मैं। इसलिए शक को कहीं भी जगह ना दे, शक जीवन के लिए नाश है। तो पहली मुख्य बात जो संकेतिक है कि शक नहीं होना चाहिए, विश्वास जो है वही प्यार है, पहली बात। दूसरी बात है निस्वार्थ भाव, जहां स्वार्थ हो गया वहां प्यार नहीं हो सकता, इसलिए निस्वार्थ भाव का होना बहुत आवश्यक है। माँ का अपने बच्चे से कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो ये एक मेन चीज है कि निस्वार्थता है या नहीं। अब तीसरी बात है एक तरफा प्यार, कि हम किसी से एक तरफा प्यार करते हैं। जब एक तरफा प्यार की बात है तो हर व्यक्ति आजाद है। एक तरफा इश्क की सबसे बड़ी खामी यह है कि अगर सामने नहीं स्वीकार है तो उसे स्वीकार हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हमने एक तरफा इश्क किया है, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ जाए। क्योंकि प्यार में एक साथ रहना ही प्यार नहीं, कई बार दूर रहकर भी ये चीजें निभाई जा सकती है। और जो एक लोग अलग सा आजकल एक माहौल बना के रखे हैं, अलग सी धारणा बना के रखे हैं, खासकर फिल्मों को देखकर, तमाम चीजों, वो प्यार नहीं है दोस्तों, वो और कुछ है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करता हूं मैं तीसरी बात की, विवाह करना चाहते हैं तो अगर माता पिता की, घर की राजी है तो सबसे अच्छी पोजिशन वही होती है। और कोशिश ये करें मनाया जाए और बात हो सके तो की जाए, अगर नहीं हो पाती है तो उस चीज को वही छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि तकलीफ ये है कि हमारी जिम्मेदारी प्यार से ज्यादा अन्यों के प्रति बहुत ज्यादा है, तो हमें वो भी निभाना है। और चौथी बात है कभी भी प्यार में धोखा होना, तमाम चीजें होने पर डिप्रेशन में, तनाव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक पड़ाव है, ये एक भावनात्मक जुड़ाव है, हो गया, अब आगे बढ़ने की बारी, न कि उसे पकड़ कर बहुत दिनों तक बैठा जाए। वक्त, समय, करियर, सब कुछ आप दांव पे लगा रहेगा। ये जीवन बहुत बड़ा है, अमूल्य है, इसकी कीमत आप समझे। प्यार को प्यार तक ही ले, एक भाव तक ले, वो एक भाव है शुद्ध, वो श्रद्धा है, वो आस्था है, न कि वो हवस है। ये बात आप समझ लें। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें। आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करते रहें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।